जी नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं इस क्लास में हिस्ट्री स्पेशल में, एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन जुड़ चुका है हिस्ट्री स्पेशल क्लास नंबर 4। मेरे हिसाब से ये चौथी क्लास है। रवि बताइए कौन सी क्लास है ये? क्या ये चौथी क्लास है? और पिछली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और उसके कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है? बताइएगा। जी रवि, चलिए तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एंशियंट इंडिया, जिसमें पहला ही चैप्टर था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सबसे पहले खोज इसकी पढ़ी, फिर हमने देखा इसका विस्तार, नाम वगैरह भी साथ में देख लिया था हमने। विस्तार के बाद हमने देखा इसकी विशेषता, खास बात क्या थी, और उसके बाद हमने देखा प्रमुख स्थल, उसके बाद हमने देखा सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन, हम देखेंगे अब इकोनॉमी, और उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट और सिंधु सभ्यता का पतन, हमें ये सब देखना था, ठीक है? हाँ, अब मेरी क्लास डेली लगा करेगी जी, बस थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस चल रही थी, ठीक है? देखिएगा जी, ये हम पढ़ चुके ये, और ये अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, जिसमें ये लोग कुत्ता, बकरी, घोड़ा, भैंस, इस तरीके से पशुओं को पालते थे, ये वाले पशु पालते थे, ठीक है? सिंधु सभ्यता में मुख्य कारणों में ही आता है कृषि, उद्योग, इंडस्ट्री, ये लोग बर्तन उद्योग करते थे, बर्तन बनाते थे, इसके अलावा औजार बनाते थे, वस्त्रों के उद्योग चलते थे, इस तरीके के उद्योग, फल सब्जियां बेचते थे, ठीक है? इसके अलावा सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी होती थी, कृषि भी सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। क्या हो गया, साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ब्राइटनेस हाँ करो इसको, ठीक है? देखिए जी, कृषि, ये लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास,
मटर, तरबूज, इस तरीके की फसलें उस ज़माने में थी। ठीक है, तरबूज और तिल, ये सारी फसलें सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे। सिंधु सभ्यता की अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो यहां पर किसी प्रकार के सिक्के नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में कोई भी कॉइन्स नहीं मिले। इसका मतलब यहां पर जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था जी। वस्तु के बदले वस्तु दे देते। तो ये इस तरीके से थी सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी। एक बार आप लोग इकोनॉमी को नोट कर लो और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। कीजिएगा नोट सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। बताइएगा जी। फटाफट कमेंट करो और फिर आगे चलेंगे हम। लिपि और पतन देखना है हमें उसके बाद। हो गया, चलिए जी। अब देखिए सिंधु सभ्यता का की लिपि स्क्रिप्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यानी कि जिसके अंदर अल्फाबेट भी होंगे, अक्षर भी होंगे और चित्र भी होंगे, पिक्चर भी होगी। अल्फाबेट्स और पिक्चर दोनों होंगे। टोटल 1000 अल्फाबेट और पिक्चर सिंधु सभ्यता की लिपि में मिली हैं जी। मैं टाइम से पहले आ गया क्लास में। ठीक है, देखिए जी, सिंधु सभ्यता की लिपि का जो स्टाइल है, जो शैली है, इसको लिखा गया है। पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। दूसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट। तीसरी लाइन में अगेन राइट टू लेफ्ट। यानी कि दोनों तरफ लिखी जाती है ये लिपि। ठीक है, यहां से वहां, वहां से यहां, इस तरीके से ऐसे लिखी जाएगी। इस स्टाइल को कहा जाता है बाउस्ट्रोफिडन। ये जो स्टाइल है इसको कहा जाएगा बाउस्ट्रोफिडन, यानी दोहरा लेखन।
और आज तक सिंधु सभ्यता की इस लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया। ये लिपि अज्ञात है, आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप लोग, फिर चलते हैं आगे। बताइएगा, नोट करके इसको। बताओ फटाफट। हो गया, चलिए जी। अब देखिए आगे, उसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन के लिए बहुत सारे लोग सिंधु सभ्यता का पतन डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन के लिए कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, जैसे मोहनजोदड़ो से बाढ़ के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बाढ़ के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन बताते हैं कुछ लोग, क्लाइमेट चेंज हो गया था, कोई महामारी पेंडेमिक। और इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा, लेकिन इनमें जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है पतन का, वो है आर्यों का आक्रमण। वो माना जाता है आर्यों का आक्रमण। तो इनमें से कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन सबसे प्रमुख माना जाता है आर्यों के आक्रमण को, कि आर्य आए और इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ऐसे हमने खोज से लेके पतन तक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या नहीं मिला, ये पेपर में देखने वाली बात है जी। सिंधु सभ्यता से गाय के अवशेष नहीं मिले हमें, लोहा नहीं मिला, और खास बात कोई मंदिर भी नहीं मिला। हाँ, स्वास्तिक का जो सिंबल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। स्वास्तिक का सिंबल तो हमें मिला है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो सिंधु सभ्यता में कोई अवशेष नहीं मिले। अच्छा, कॉइन्स नहीं मिले, क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं, कॉइन्स नहीं मिले, तलवार नहीं मिली कोई भी, ये सब तो अब्सेंट है। ठीक है, स्वास्तिक का सिंबल हमें सिंधु सभ्यता से ही मिला है। बताइएगा, इसको करके नोट, फिर आगे चलते हैं हम। जी, क्लास देरी लगेगी विक्रम, बस थोड़ा सा बीच में बिजी चल रहा था मैं।
बताइएगा। जी नोट कीजिए सारे के सारे। हो गया। चलिए जी अब देखिएगा आगे। दूसरा चैप्टर शुरू होता है अब वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन 1750 बीसी से लेके 600 बीसी तक। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो थे आर्य, आर्यंस। आर्य जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, मूल स्थान उनका क्या था, बेसिकली वो लोग कहाँ से थे, इस पे बहुत बड़े सवाल हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य ईरान से आए थे और कुछ लोग मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया, अलग अलग लॉजिक बताए गए हैं जी आर्यों के। उत्तरी ध्रुव वाली बात कही है बाल गंगाधर तिलक, कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तिब्बत वाली बात कही है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईरान से आए हैं ये बात कही है, एक बुक है ईरान की जैनत अवेस्ता, उस बुक में लिखा है ऐसा कि वो ईरान से आए हैं और मध्य एशिया से आए हैं, ये बात कही है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर, अब देखो जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी
सत्यार्थ प्रकाश, तो इन्होंने अपनी अपनी किताबों में ये बात कह रखी है कि यहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से मानते हैं, क्योंकि देखो जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सबको पता है पृथ्वी के झुके हुए होने के कारण, झुकाव के कारण यहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते हैं। 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यहां भी ऐसा ही होता है। तो वेदों में बड़े बड़े दिन बड़ी बड़ी रातों का उल्लेख कर रखा, इस बेस पे तिलक ने कहा कि ये वहां से आए हैं। तिब्बत हिमालय के कारण कहा गया, ईरान क्योंकि इस बुक में नाम है, ऋग्वेद का भी इसमें मेंशन मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत दिया गया है सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट सब कुछ सेंट्रल एशिया एशिया से मिलता है, जो कि ऋग्वेद में दे रखा था। तो सबसे प्रमुख माना गया मैक्स मुदर के सिद्धांत को, पता लग गया ये कहाँ से आए, यहाँ से आए, कैसे आए वो भी हम देखेंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, इनकी सभ्यता कहलाती है फिर वैदिक सभ्यता, यहां तक नोट कीजिए एक बार आप लोग, फिर आपको देख बताता हूं आगे, बताइए जी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो। बताइएगा, ब्राइटनेस कम कर लें जी, ब्राइटनेस तो देखो अभी टेक्निकल टीम नहीं है मेरे पास, आएंगे तब करवा देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। बताइए कोई समस्या हो तो। हो गया, ये अरक्टिक होम ऑफ वेदास, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुव यहां से आए हैं। ठीक है, कर लिया ना। चलिए अब देखिए जी आगे, आर्यों का ये तो पता लग गया कि कहां से आए, अब वो लोग आए कैसे ये भी हम देखते हैं। यहां पर ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान,
ये इंडिया, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इनके ऊपर जो देश है ना, ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया में आते हैं, मध्य एशिया में। ठीक है, देखिएगा जी, तो आर्य मध्य एशिया से निकलते हैं, आर्य जो है वो मध्य एशिया से निकलते हैं और ईरान पहुंचते हैं। मध्य एशिया से चलकर के ईरान पहुंचते हैं, इनकी एक शाखा ईरान में रुकती है और फिर ईरान से ये लोग हिंदकुश पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं आगे, हिंदकुश पहाड़ी की तरफ। हिंदकुश पहाड़ी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, अब उस जमाने का हिंदुस्तान, और हिंदकुश पहाड़ी में है एक रास्ता आने का, खैबर दर्रा। हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे से पंजाब में आते हैं। सबसे पहले ये लोग पंजाब में आते हैं और उसके बाद सप्त सैंधव में बसते हैं। सप्त सैंधव में बस जाते हैं। सप्त सैंधव सात नदियों का क्षेत्रफल, सात नदियों का एरिया कहलाता है। सप्त सैंधव में जो सात नदियां आती हैं वो हैं सरस्वती, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इस एरिया में बस गए ये लोग। ये है वो सप्त सैंधव का एरिया। तो कहाँ, सेंट्रल एशिया से निकले थे, ईरान होते हुए हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे को पार करके पंजाब में सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद बस गए सप्त सैंधव में। सप्त सैंधव में सात नदियां आती हैं, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन नदियों के आसपास का जो एरिया है वो कहलाएगा सप्त सैंधव। आने के बाद बस गए और उसके बाद इन्होंने 1750 से लेके 620 तक हिंदुस्तान पे इन्हीं का कब्जा होगा, इन्हीं लोगों की सभ्यता चलेगी। इसी सभ्यता को हम दो भागों में कर देते हैं, शुरू के पार्ट वन 1000 BC तक का और पार्ट टू 1000 से 600 तक का। इनको हम देखते हैं अब दो भागों में कैसे किया जाएगा। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। बताइएगा, रामायण इसके बाद की है जी अंशुल, ये रामायण से भी पहले वाला टाइम है। बताओ समझ में आ रहा है क्या, सब कुछ नोट करो अच्छे से।
फटाफट बताइए जी, फिर आगे चलेंगे हम। लिखिए डन। गया क्या? डन। चलिए जी आगे। अब देखिए, इस सभ्यता को दो भागों में बांट दिया जाता है, वैदिक सभ्यता को। ऋग्वैदिक काल, दूसरा सौ 50 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, दूसरा उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज, 1000 से 600 BC, दो भागों में किया जाएगा। ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसको लोह युग भी कहा जाता है। इसमें लोहे की खोज हो जाती है, इससे पहले लोहे की खोज हुई नहीं थी, आयरन एज। ठीक है, इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में हो चुकी थी वेदों की रचना। इस काल में वेदों की रचना हो चुकी थी, इसलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। ये वेदों के बाद का समय है, इसलिए इसको उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक एज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये। तो सबसे पहले पार्ट वन, ऋग्वैदिक काल। एक बार फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट कीजिएगा, बताइएगा जी। बताओ भाई। ओके, देखिए जी, अब हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। देखो, ऋग्वैदिक काल में हमें क्या क्या कवर करना होगा, चार चार पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे। देखिएगा जी, इसमें हमें प्रशासन देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ,
आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक का लाइफ और धार्मिक जीवन, हमें ये पॉइंट पढ़ने होंगे। इनमें हम पूरी सभ्यता ये पढ़ लेंगे। रिलीजियस लाइफ, चार पॉइंट के हिसाब से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन। देखिए जी, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कुल हुआ करता था। कुल यानी कुटुंब, यानी कि परिवार। सबसे छोटी इकाई हुआ करता था कुल या कुटुंब। परिवारों से मिलकर के बनता था ग्राम। ग्राम से मिलकर के बनता था विश, और विश से मिलकर के बनता था जन। घर पे जो मुखिया होता था वो कहलाता था कुलपति। ग्रामों का मुखिया ग्रामीणी, विश का मुखिया विस्पति, और जन का मुखिया राजन या फिर राजा। तो उस समय सबसे बड़ी इकाई हुआ करता था जन। एक जन होगा, उसके अंदर जो है बहुत सारे विष होंगे। देखो कुछ इस तरीके से, एक जन होगा, उसके नीचे बहुत सारे विष होंगे, विष के अधीन बहुत सारे ग्राम होंगे, और गांव के अंदर बहुत सारे कुल यानी परिवार होंगे, और जन पे होगा राजा। कुछ इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। यहाँ राजा का चुनाव होता था। सभा और समिति दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे। सभा और समिति हुआ करती थी। सभा का काम होता था न्याय करना, और समिति का काम होता था चुनाव करवाना। ये राजा के साथ होती थी दोनों। ठीक है, इसके अलावा राजा भूमिहीन होता था, जमीन नहीं होगी इसके पास। और इसके अलावा राजा युद्ध में भाग लेता था। बस राजा का इतना सा ही काम होता था, जनता की सेवा करो, युद्ध हो जाए तो, आपत्ति आए तो जनता का साथ दो। सब कुछ राजा ही संभालता था। राजा के नीचे विस्पति, ग्रामीणी और कुलपति हुआ करते थे। न्याय देने का काम सभा करेगी, राजा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए प्रशासन कितना सही था, कितना जो है स्टिक बना रखा था। किसी भी तरह की प्रशासन में कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, कैमरे की ब्राइटनेस कम, भाई अभी तो देखो मेरे पास टेक्निकल टीम का कोई है नहीं। अगली क्लास में ये कम हो जाएगी। अभी ऐसा तो अगर हो कि बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे तो अलग बात है। ये तो वैसे भी मैंने डार्क मार्कर से लिखा है। एक बार इसको नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलेंगे हम लोग। कीजिएगा नोट।
बताइए जी। डिजिटल बोर्ड। ओके राहुल, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो डिजिटल बोर्ड से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो डिजिटल बोर्ड से ही होगी। यहाँ तक बताइए, हमने ऋग वैदिक काल का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। चार चार भागों में पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन साथ में। बताइएगा। नहीं है कोई समस्या? फटाफट कमेंट करो। नहीं ना? चलिए जी, फिर आज हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में देखेंगे ये अगले पॉइंट भी। इस बैच में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके नोट्स खूबसूरत बने। ठीक है, हाँ क्लास मेरी डेली होगी। ठीक है जी, चलिए, कल हो सकता है मेरी क्लास मॉर्निंग में हो जाए, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।